फिर से वही घटना आ रही है। कम से कम हमारे सामने जो आइस जो भी वार्ड था उसमें तकरीबन 8-10 बच्चे जो थे अभी भी हैं, और काफ़ी दुखद है। ग्लूकोज वगैरह चल रहा है, लेकिन इस तरह का मुख्यमंत्री जो नॉन सीरियस हो, जो चमकी बुखार हो या बालिका गृह कांड हो, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे आप देखे होंगे कि महिला आयोग की जो टीम आई थी, अध्यक्षा आई थी, उनसे भी मिलने का समय नहीं दिया। तो जिस प्रकार की है, और इनको चिंता है केवल अपनी कुर्सी की, दिखा देने की चिंता है कौन क्या बोल रहा है, यानी सब कुछ देखना। जेडीयू कह रहे कि आप सियासत करने वहाँ गए थे, बच्चों को याद आया आपको 3.5 महीने बाद। माफ़ कीजिएगा, हमारी ही पहली ऐसी पार्टी थी और हमने ही अपने प्रतिनिधि मंडल को सबसे पहले मुजफ्फरपुर चमकी बुखार में भेजने का काम किया था, ये लोग ना भूलें। और उस दौरान मेरा जो एंकल है, जो लिगामेंट है, वो सब जानते हैं कि वो टूटा हुआ था। हमारी ट्रीटमेंट चल रही थी, हमारी पार्टी के पहला ही प्रतिनिधिमंडल ने जो है वहाँ से आवाज़ उठाना शुरू किया, मीडिया के लोगों ने सारी रिपोर्टिंग दिखाई, असलियत दिखाने का काम किया। 2014 में हर्षवर्धन जी आए थे, उन्होंने घोषणा की थी उस समय कि अलग से व्यवस्था कराई जाएगी, चमकी बुखार का अलग से वार्ड बनेगा, 100 बेड से ज़्यादा बनेगा, वहाँ जो है लैबोरेटरी बनेगी जहाँ जाँच होगा, पड़ताल होगा, क्या है, कोई काम नहीं हुआ। आज 19वां साल चल रहा है, अब देखिएगा 2019 आ गया तो कोई काम नहीं चमकी बुखार में। अभी भी आप देखिएगा, ये तो एक अस्पताल का आंकड़ा है। सरकार जो है जितनी भी POC है वहाँ 2 बेड जो है उन चमकी बुखार के लोगों को छोड़ने का काम किया। क्यों छोड़ा है अभी जब चमकी बुखार है नहीं, तो क्यों छोड़ा है भैया?